हेलो एवरीवन। प्रीवियसली हमने देखा था ग्रीन रिवॉल्यूशन, हरित क्रांति कैसे हुई, हरित क्रांति में क्या क्या चीज़ें हमने रखी थी। इसके साथ साथ हमने समझा था फोर्थ फाइव ईयर प्लान को, चौथी पंचवर्षीय योजना, और इसके पहले के सारे प्लान, प्लानिंग क्या होता है, उनको क्लियर कर चुके हैं। और उनको जिन्होंने नहीं देखा है वो आई बटन या डिस्क्रिप्शन में जा कर के उसका लिंक देख सकते हैं, आगे उसको समझ सकते हैं। आज हम इसके आगे के जो फाइव ईयर प्लान है उनको देखते हैं। तो पांचवी पंचवर्षीय योजना, उसकी शुरुआत होती है ईयर 1974 में और ये कंप्लीट होगा 1979 में। स्टार्टिंग डेट 1 अप्रैल और वाइंडिंग डेट 31 मार्च। ये जो किस मॉडल पर आधारित थी, तो ये सी सुब्रमण्यम या डीपी धर मॉडल पर आधारित थी। और इस योजना में फोकस किया गया एम्प्लॉयमेंट यानी रोजगार पर, साथ ही साथ गरीबी हटाओ यानी पॉवर्टी एलिविएशन की भी बात की जाती है। लेकिन साथ ही साथ इस योजना में जो फोकस्ड टारगेट था वो ये भी था कि सेल्फ रिलायंस इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन एंड डिफेंस, यानी हमें कृषि उत्पादों में या कृषि के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना था। साथ ही साथ हमें जो अपनी प्रतिरक्षा या सुरक्षा की बात करते हैं उसमें भी बहुत अच्छे से काम करना था। इस प्लान का मेजर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या रोल रहता है, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रोल ये है कि ये जो प्लान था 74 से स्टार्ट हुआ और 79 तक जाना था, लेकिन इस प्लान के बीच में कुछ डिस्टरबेंस हुआ। पहला मेजर डिस्टरबेंस ये हुआ कि ईयर 1975 में प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के द्वारा नेशनल इमरजेंसी इम्पोज कर दी गई, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दी जाती है आंतरिक अशांति के नाम पर। और लगभग 2 साल के बाद जब इलेक्शन हुए लोकसभा के, और पहली बार एक ऐसी गवर्नमेंट बनती है जो गैर कांग्रेसी सरकार थी, यानी जनता सरकार बनती है, और उसके जो लीडर थे मोरारजी देसाई प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। अब मोरारजी देसाई सरकार जब आती है तो उसके द्वारा ये जो पंचवर्षीय योजना थी उसको बीच में रोक दिया जाता है। और ये कब रोका गया, ईयर 1978 में, ठीक जब ये अपना फाइव ईयर कंप्लीट करती, उसके पहले लगभग 1 साल पहले इस योजना को रोक देते हैं और एक नई योजना स्टार्ट करते हैं, उसको कहते हैं रोलिंग प्लान। रोलिंग प्लान या इसको हिंदी में हम कहते हैं अनवरत योजना। अनवरत यानी कंटिन्यूटी के साथ चलेगी। यहाँ जो फाइव ईयर प्लान थे उसको क्रिटिसाइज किया गया कि ये प्लान एक कंप्लीट होता है तुरंत आधी रात से नई पंचवर्षीय योजना को लेकर आते हैं, इसमें लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी यानी लोचशीलता की कमी है। लोचशीलता का मतलब है कि अगर आवश्यकता पड़े तो हम इसमें टारगेट लक्ष्य को बदल नहीं पाते, ठीक है। और इसमें जो टारगेट सेट करते हैं वो कुछ ऐसे टारगेट होते हैं कि बदलती हुई परिस्थितियों के अनुरूप वो कभी कभी उपयुक्त नहीं होते। तो अगले 10 सालों को ध्यान में रखते हुए एक नई योजना स्टार्ट की गई जिसे कहते हैं द रोलिंग प्लान या अनवरत योजना। लेकिन इसमें मुश्किल ये आ गई कि जब तक ये सरकार अपना काम कर पाती, ईयर 1980 में फिर से ये सरकार चली जाती है और इंदिरा गांधी की सरकार कम बैक कर देती है, वापस आ जाती है। तो इनका जो रोलिंग प्लान था ये ग्राउंड लेवल पर नहीं आया, यानी ये इम्प्लीमेंटेशन की पोजीशन में, क्रियान्वयन की स्थिति में नहीं आता है और रोलिंग प्लान सिर्फ डॉक्यूमेंट में रह जाता है, ठीक। तो यहाँ पर ये जो पांचवी पंचवर्षीय योजना में चूंकि एक नया थॉट, नया एक कंसेप्ट निकल के आया रोलिंग प्लान, तो उससे जुड़े कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ फिफ्थ फाइव ईयर प्लान कंप्लीट हुआ। अब हम देखते हैं सिक्स्थ फाइव ईयर प्लान, छठवीं पंचवर्षीय योजना। ये स्टार्ट होगी 1980 से 85 के बीच में और इस योजना का टारगेट क्या है, गरीबी हटाओ। एक बड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं कभी ऑब्जेक्टिव में, यूपीएससी लेवल पे तो नहीं आ सकता बट स्टेट में या दूसरे एग्जाम में आते आता है कि गरीबी हटाओ का नारा कौन सी पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया, ठीक है। पॉवर्टी रिमूवल, गरीबी हटाओ, तो यहाँ पर आप समझो कि जब इलेक्शन हुए थे लोकसभा के ईयर 1977 में, तो कांग्रेस की सरकार ने यहाँ पर नारा दिया था
गरीबी हटाओ, देश बचाओ, इंदिरा लाओ। तो अगर स्लोगन की बात करेंगे तो ये पॉलिटिकल जो स्लोगन है वो तो आता है फिफ्थ फाइव ईयर प्लान में, लेकिन अगर हम ये बात करें कि पंचवर्षीय योजना जिसने अपना टारगेट ही पॉवर्टी एलिवेशन या गरीबी हटाओ को बना लिया, तो वो आता है सिक्स्थ फाइव ईयर प्लान में। छठवीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य हो गया था गरीबी हटाओ। इस योजना के दौरान एक बहुत महत्वाकांक्षी परियोजना स्टार्ट हुई जिसको हम IRDP के नाम से जानते हैं, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी एकीकृत या समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम। ठीक इसके साथ साथ फिर एक और कार्यक्रम चला था नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट मिशन करके, एक और कार्यक्रम चला जिसे हम ट्राइसेन के नाम से जानते हैं शॉर्ट में, और ये काफी एग्जाम में पूछा जाता है, इसका फुल फॉर्म याद रखना पड़ेगा, ट्रेनिंग फॉर रूरल यूथ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, यानी ग्रामीण क्षेत्र के जो युवा हैं उनको स्वरोजगार के लिए यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती थी, उसको ट्राइसेम के नाम से जानते हैं। ऐसे ही यहाँ पर डुआकरा नाम से महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए योजना चलाई गई। ये जो योजनाएं हैं आज इनको दूसरी योजनाओं में मिला दिया गया है, जैसे स्वर्ण जयंती शहरी में और कुछ ग्रामीण में मिला दी जाती है। ठीक है, तो गरीबी हटाओ ये यहाँ पर सिक्स फाइव ईयर प्लान में आता है, और इसको लेकर थोड़ा सा जब डॉक्टर रमेश सिंह सर की किताब पढ़ेंगे तो वहाँ पर ये आपको सिक्स में मिलता है, लूसेंट अगर पढ़ेंगे तो वहाँ आपको फिफ्थ में मिलता है। जो कन्फ्यूजन क्या है मैं आपको पहले बता चुका हूँ। इस फेज में यानी 80 से 85 के ड्यूरेशन में भारत में दूसरी बार बैंकों का नेशनलाइजेशन होता है, राष्ट्रीयकरण किया जाता है, और ऐसी 6 बैंक थी जिनका नेशनलाइजेशन किया गया। पहली बार जब बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ था तब कंडीशन थी कि वो बैंक जिनके पास मिनिमम जो कैपिटल है वो 50 करोड़ रुपीज होना, और इस बार जो नॉर्म्स बनाए गए वो ये थे कि ऐसी बैंक जिनके पास कम से कम 200 करोड़ हो तब वो राष्ट्रीय हो सकती हैं। तो ऐसे 6 बैंक थे जिनका नेशनलाइजेशन किया गया। इसके साथ एक और इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई जिसका नाम है नाबार्ड, ये वित्तीय संस्थान के रूप में स्थापित होता है, इसका फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये कोई बैंक नहीं है बट एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए जो फंड की वित्त की आवश्यकता पड़ेगी उसको नाबार्ड से ही मिलेगा। ठीक है, जैसे हाउसिंग के लिए जो बैंक लोन प्रोवाइड करते हैं तो नेशनल हाउसिंग बैंक से आता है इनके पास, उसके बाद बैंक से कस्टमर की जेब में जाता है, वैसे ही एग्रीकल्चर के लिए जो लोन आएगा तो उसकी सबसे सुप्रीम बॉडी यहाँ पर नाबार्ड हो जाएगी। 12 जुलाई 1982 में इसकी स्थापना की जाती है। साथ ही साथ एक और संस्थान बना जिसको हम एक्जिम बैंक के नाम से जानते हैं, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक, आयात और निर्यात के लिए जो वित्त की आवश्यकता और अन्य सहायताओं की आवश्यकता पड़ेगी उसको ये उपलब्ध कराएगा। इसके बाद ये सिक्स फाइव ईयर प्लान कंप्लीट हो गया, देन सातवीं पंचवर्षीय योजना ये अपने टाइम पर ही स्टार्ट होती है, यानी 1985 से स्टार्ट होती है और 1990 में कंप्लीट हो जाती है। प्रणब मुखर्जी जो अभी हमारे राष्ट्रपति भी रहे थे, कांग्रेस के लीडर भी थे, तो इन्होंने इसके बारे में काफ़ी कुछ काम किया था। यहाँ पर फोकस किया जाता है रोजगार पर, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिले, और इसी को ध्यान में रखते हुए कई सारी योजनाएं भी इस ड्यूरेशन में चलती हैं, जैसे जवाहर रोजगार योजना काफ़ी पॉपुलर है, जवाहर रोजगार योजना। ऐसे ही यहाँ पर एक योजना इस ड्यूरेशन में और चलती है, नेहरू रोजगार योजना। जवाहर रोजगार योजना जो है वो रूरल एरियाज के लिए, और नेहरू रोजगार योजना वो शहरी यानी अर्बन सिटीज के लिए। इसको कैसे अगर हम मेमोराइज करें तो जनरली आप देखें कि शहर में रहने वाला व्यक्ति थोड़ा बहुत पढ़ जाता है तो उसमें मैनर्स आ जाते हैं, ऐसा हम कहते हैं, व्यक्ति को नाम के स्थान पर उसके सरनेम से बुलाना पसंद करता है। ठीक, तो जवाहरलाल नेहरू का सरनेम नेहरू था, नेहरू रोजगार योजना विच इज रिलेटेड टू अर्बन एरियाज, और जो रूरल एरियाज रहता है वो व्यक्ति को उसके नाम से बुलाना पसंद करते हैं, तो जवाहर रोजगार योजना डायरेक्टली रिलेटेड टू रूरल एम्प्लॉयमेंट। ऐसे करके हम इनको रिलेट कर सकते हैं, और ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ये सिर्फ याद रखने के लिए कुछ ट्रिक्स रहते हैं जो आप भी बना सकते हैं अपने अपने तरीके से। तो सेवन्थ फाइव ईयर प्लान में कोई विशेष ऐसी बात नहीं। इसके बाद क्या होता है कि
ये जो सातवीं पंचवर्षीय योजना 1990 में कंप्लीट हुई, अगला फाइव ईयर प्लान 90 से स्टार्ट होना था मगर वो नहीं हुआ। उसके स्थान पर दो सिंगल ईयर प्लान आते हैं, पहला 90 से 91 के ड्यूरेशन में और दूसरा 91 से 92 के ड्यूरेशन में। और ये जो दो सिंगल ईयर प्लान आए, दो एक वर्षीय योजनाएं आई, इसका मेन कारण था पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, राजनीतिक अस्थिरता थी केंद्र में। कई सारी सरकारें आती थीं, चली जाती थीं, कभी कोई पीएम बन रहा है तो कभी कोई पीएम बन रहा है, सब अपनी गद्दी बचाने में लगे हुए थे और फाइव ईयर प्लान पर किसी का ध्यान नहीं था, इसलिए ये दो सिंगल ईयर प्लान चलते हैं, राइट। अब अभी तक कितने सिंगल ईयर प्लान हम देख चुके हैं, तो प्रीवियसली हमने सबसे पहले जो प्लान देखा था ईयर 1966 से 69 के बीच में 3, देन उसके बाद फिर हम अगर सिंगल ईयर प्लान की बात करें तो जब रोलिंग प्लान चलता है ना, फिफ्थ फाइव ईयर प्लान जो प्लान था 79 से पहले ही वन ईयर बिफोर उसको वाइंड अप कर देते हैं यानी 78 में, और अगली जो पंचवर्षीय योजना थी वो 80 में स्टार्ट होती है, तो फिर 78 से 80 के बीच में क्या हुआ था, तो कई बुक में लिखा रहता है कि 78 से 80 के बीच में दो सिंगल ईयर प्लान आए थे, बट यहाँ पर दो सिंगल ईयर प्लान नहीं, सिर्फ एक सिंगल ईयर प्लान था। ऑफिशियली ऑन द पेपर ये मान लिया जाता है कि फिफ्थ फाइव ईयर प्लान अपना ड्यूरेशन कंप्लीट करती है ईयर 79 तक, और 79 से 80 के बीच में जो सिंगल ईयर का गैप होता है वहां पर बस वन एक सिंगल ईयर प्लान आता है। तो हरित क्रांति जिस ड्यूरेशन में हुई वहां पर 3 सिंगल ईयर प्लान, एक सिंगल ईयर प्लान यहाँ पर हो जाएगा, और इसके बाद दो सिंगल ईयर प्लान जो आए थे वो आए थे 90 से 92 के बीच में ड्यू टू पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी। तो इनको अगर हम ऐड करें तो अभी तक टोटल प्लान कितने हो जाते हैं, तो यहाँ पर प्लान हो जाते हैं सिंगल ईयर 3+1+4+2+6, 6 एक वर्षीय योजनाएं लागू की गई। याद आप ये भी करें कि जो क्वेश्चन आ सकता है कि प्लानिंग होलीडे या योजना अवकाश कब आया, तो योजना अवकाश ना तो हम 79 से 80 के ड्यूरेशन को कहते हैं, ना ही हम प्लान होलीडे 90 से 92 के ड्यूरेशन में कहते हैं। प्लान होलीडे सिर्फ वर्ड यूज में लाते हैं 1966 से 1969 के बीच में, यानी 66 से 69 के बीच में, और उसका भी रीजन कि कुछ अर्थशास्त्री ये मान लेते हैं कि वो जो प्लान था उसमें जो ब्रेक हुआ वो हमारी मजबूरी थी, हमारे पास फंड की कमी थी इसलिए उसमें ब्रेक हुआ, और ये जो ब्रेक होते हैं ये ब्रेक मजबूरी में नहीं थे, ये तो हमने खुद जानबूझ के किए हुए थे, राइट। तो यहाँ पर ये सिंगल ईयर प्लान कंप्लीट हो गया। इसके बाद अब हम देखते हैं आठवीं पंचवर्षीय योजना 8 5-year plan, ये स्टार्ट होगा 92 से और कब तक चलेगा, 97 तक चलेगा। इसमें क्या मेजर चीजें होती हैं, तो इस दौरान आप याद करो मेजर चीज जो रहती है वो रहता है भारत में निजीकरण, उदारीकरण, वैश्वीकरण, यानी 90 के दशक में भारत इसकी ओर बढ़ता है, यानी LPG लेकर के आ जाते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। इस समय प्रधानमंत्री थे श्री PV नरसिम्हा राव जी और वित्त मंत्री थे मनमोहन सिंह जी, तो ये जो ड्यूरेशन था LPG को लेकर आता है। तो 8 5-year plan और LPG के काफ़ी कुछ पॉजिटिव रिजल्ट भी हमको मिलते हैं इस ड्यूरेशन में। एक और पॉपुलर योजना स्टार्ट होती है, नाम है उसका प्रधानमंत्री रोजगार योजना, युवाओं को, पढ़े लिखे युवाओं को स्वरोजगार के लिए कुछ ऋण उपलब्ध कराते हैं। 97 में ये योजना कंप्लीट होती है, उसके बाद से फिर कोई ब्रेक नहीं आएगा 12th 5-year plan के कंप्लीट होने तक, और 12th 5-year plan कंप्लीट होगा उसके बाद पूरी की पूरी पंचवर्षीय योजनाएं ही समाप्त हो जाती हैं, क्योंकि फिर प्लानिंग कमीशन को हटा देते हैं, तो हम उनको भी कंप्लीट कर लें जल्दी से। अब स्टार्ट करेंगे 9th 5-year plan, 9वीं पंचवर्षीय योजना, ईयर 97 से 2002 के बीच में, और इस समय भारत के प्रधानमंत्री जो थे वो अभी हमारे जननायक, अभी उनका देहांत हुआ, श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। अटल बिहारी वाजपेयी के समय ये योजना स्टार्ट होती है, और इस योजना में बहुत मेजर चेंज भी किए गए थे, वो सिर्फ डाटा को लेकर के चेंज नहीं थे। यहाँ पर थोड़ा सा समझें कि अभी तक जो प्लान बनते थे फाइव ईयर प्लान, वो केंद्र बनाता था,
यानी सेंट्रलाइज प्लानिंग थी, और स्टेट को जो उसने प्लान बनाया उसके अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन कर देते थे। मगर पहली बार इस प्लान में स्टेट से पूछा गया और उनसे पूछ करके उसके बाद रिसोर्सेस एलोकेट किए गए, यानी संसाधनों का वितरण राज्यों से पूछ कर किया जाता है। तो स्टेट के सामने काफी कुछ अच्छी चीजें भी बनी। प्लस प्लानिंग कमीशन को, प्लानिंग कमीशन एडवाइजरी बॉडी थी, इस योजना के दौरान उसको मॉनिटरिंग पावर भी दे देते हैं कि कोई योजना जो चलाई जा रही है अगर वो ठीक से काम नहीं करती है तो उसके बारे में वो और स्ट्रिक्ट एक्शन ले सकते हैं। यहाँ पर टारगेट जो रखा गया था 7.1% का रखा गया, लेकिन एक्चुअल 6.8 आया। तो वो ये फेज था जब रिसेशन, मंदी का दौर चल रहा था, इस वजह से हम उन टारगेट को अचीव नहीं कर पाए थे। तो इस योजना का जो टारगेट सेट किया गया था ग्रोथ विद सोशल जस्टिस एंड इक्विटी करके, ठीक। तो ये 9th 5-year plan 2002 तक चलता है। इसके बाद 10वीं पंचवर्षीय योजना, ये भी अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, उसी के समय बनी थी 2002 से 7 तक, लेकिन जब इलेक्शन हुए थे 2004 में, उसके बाद फिर यूपीए की सरकार आ जाती है, मन्नू भाई प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं। यहाँ पर जो जीडीपी की ग्रोथ रेट का टारगेट सेट किया था वो 8%, साथ ही साथ यहाँ जो टारगेट सेट किए गए थे कि अगले 5 साल को न बोल करके अगले 10 ईयर में कि प्रति व्यक्ति आय जो उस समय थी उसको अगले 10 सालों में बढ़ा करके डबल किया जाएगा। इसके साथ साथ 20-point program 20 सूत्रीय कार्यक्रम, ये काफी पुराने कार्यक्रम थे, इनको रिवाइज करके यानी फिर से नए तरीके से स्टार्ट किया जाता है इसी ड्यूरेशन में, ठीक है। गरीबी की, जो गरीबी हटाने की बात तो पहली पंचवर्षीय योजना से ही चलती रहती है, तो गरीबी तो नहीं हटती है, शायद गरीबों को हटाने के लिए कोई प्रोग्राम ही लेके आ जाए अगली सरकारें। तो यहाँ पर टारगेट रखा गया रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी रेट बाई 5% बाई 2007, यानी 2007 तक जो गरीबी है उसमें 5% की कमी करना। बड़ा ये गरीबी के जो आंकड़े हैं ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, प्लानिंग कमीशन कुछ और बताता है, वर्ल्ड बैंक कुछ और कहता है, और यूपीए सरकार एक लेकर के आई थी नेशनल, राष्ट्रीय खाद्य मिशन, नेशनल फूड प्रोग्राम, उसमें उसने बोला था कि ये जो कार्यक्रम है इसका भारत की 70% जो गरीब जनता है उसको लाभ मिलेगा। यानी गवर्नमेंट खुद बोलती है कि भारत की 70% जो गरीब जनता है उसको लाभ मिलेगा, यानी गरीबों की संख्या 70% एक तरफ सरकार बताती है, दूसरी तरफ 26% बताती है, तो ये बड़े कंफ्यूजिंग डाटाज रहे। खैर, ये 10वीं पंचवर्षीय योजना का ये टारगेट रहा, 2007 में ये योजना कंप्लीट होती है। उसके बाद 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 के लिए बनाई जाती है, और इसकी थीम रखी गई थी इंक्लूसिव ग्रोथ, यानी समावेशी विकास। समावेशी विकास कैसे कहते हैं, यानी समावेशी विकास का मतलब है समाज के अंतिम व्यक्ति का भी विकास होना, और विकास पिछले कई दिनों से हो ही नहीं रहा है, केंद्र और सत्ता और विपक्ष दोनों इस बात को लेकर खूब सारे विकास विकास, ठीक। ये जो इसकी फ्रेमिंग की थी वो सी रंगराजन ने, ये आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं, उनके द्वारा की गई थी। यहाँ पर टारगेट सेट किया गया था 10%, फिर उसको घटाया गया 8%, ये सारे चेंज करते जाते हैं, और उसमें और भी टारगेट थे, हेल्थ को लेकर के भी टारगेट किए गए थे, कृषि में टारगेट सेट किया गया था 4%। तो ये टारगेट कुछ अचीव हुए कुछ नहीं हुए उनको हम लास्ट में देखेंगे, और जो लास्ट 5-year plan है वो स्टार्ट होता है 2012 से 2017 के बीच में। 12वीं पंचवर्षीय योजना थी, और इसमें जो थीम रखी गई थी वो थी फास्टर सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ, तीव्र गति से संपोषित समावेशी विकास करना, ये इसमें लक्ष्य रखा गया था। शुरुआत में इसमें जो टारगेट रखा बाद में आगे चल के उसको एडजस्ट करके कम किया गया, ठीक है। एग्रीकल्चर के लिए ग्रोथ रेट 4% रखी गई, अचीव नहीं हो पाई। विनिर्मित क्षेत्र के लिए यानी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए 10% रखी गई। इसके साथ साथ रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन 100% करने की बात की गई, MMR की जो रेट थी वो 1 पर लाने की कोशिश की गई। ऐसे बहुत सारे टारगेट सेट किए जाते हैं, 2017 में ये टारगेट अचीव तो नहीं हुए, ठीक है। तो अभी ये लास्ट पंचवर्षीय योजना थी 17 के बाद, जब ये सरकार नई आ जाती है तो इस सरकार के द्वारा पंचवर्षीय योजनाओं के कंसेप्ट को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया जाता है, और उसके स्थान पर वो क्या लेकर आ जाते हैं, नीति आयोग को लेकर आ जाते हैं। अब नीति आयोग क्या करेगा, पंचवर्षीय योजनाएं तो समाप्त हो गई, उसमें क्या स्ट्रक्चर रहेगा, उसके क्या फंक्शंस रहेंगे,
क्या क्या डिफरेंस रहेगा प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग में, ये हम और देखेंगे अगली सीरीज में। इसके बाद फिर हम बात करेंगे कि मेंस में इससे जुड़े क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं।